नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय। तो दोस्तों, आज आपको मैं ले जाने वाला हूँ नवसारी, जहाँ पे हुई थी नमक की खोज, जहाँ पे गांधी जी ने अपनी टुकड़ी के साथ मिलकर, देश के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर की थी नमक की खोज। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये खूबसूरत सा शहर है गुजरात का नवसारी, जहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ पे। तो दोस्तों, आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। ये बहुत ही प्यारा प्लेस है, बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। तो दोस्तों, बात है मार्च 1930 की, जब गांधी जी ने नमक पर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के रूप में लगातार 24 दिनों तक 400 किलोमीटर की सफ़र अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक चलाया गया, ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने बहुत ही खूबसूरत सा एंट्री पॉइंट बना हुआ है सॉल्ट सत्याग्रह का, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा जगह है, जहाँ आने के बाद आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा और आँखों को ठंडक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप देखते रहिए ये वीडियो एंड तक, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, आगे आप देखने वाले हैं कलाकार की कलाकृति, जो बारीकी से एकदम बनाई गई है। आपके सामने ये पहला है और इसके नीचे लिखा गया है कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये क्यों बनाया गया है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है। करीब 23 कलाकृति हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में, बहुत ही सुंदर है, इतनी बारीकियों से बनाया गया है, मैं खुद ही देख के हैरान हो गया था। तो आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको यहाँ का सारा चीज़ देखने मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और जितने भी लोग गांधी जी के साथ इस सॉल्ट सत्याग्रह में थे, उनका भी स्टैचूज बनाया गया है, वो भी बहुत ही प्यारा है। आपको देखने में लगेगा कि ये सामने स्वयं एक इंसान है मेरे सामने, कि बहुत ही खूबसूरत है। तो आप देखना ना भूलिए और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इंजॉय करिए। तो चलिए, आपको मैं ये दांडी मार्च की कहानी बताता हूँ। दांडी मार्च में हज़ारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। लगभग 3 हफ्तों बाद गांधी जी अपने स्थल पर पहुँचे और मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून की निगाह में अपराधी बन गए। 2011 में अमरीकी की मशहूर पत्रिका टाइम ने वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले दांडी मार्च नमक सत्याग्रह को दुनिया को बदल देने वाला 10 महत्वपूर्ण आंदोलनों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा है। टाइम पत्रिका ने नमक सत्याग्रह के बारे में लिखा कि भारत पर ब्रिटेन की लंबे समय तक चली हुकूमत कई मायनों में चाय, कपड़ा और यहाँ तक कि नमक जैसी वस्तुओं पर एक अधिकार कायम करने से जुड़ी थी। टाइम पत्रिका के अनुसार दांडी यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में बापू के समर्थक उनके साथ जुड़ गए थे। रिपोर्ट में टाइम ने लिखा कि महात्मा गांधी और उपस्थित जन समुदाय में समुद्र से नमक बनाया। इसी बीच देश के अन्य भागों में नमक यात्राएं शुरू हो गई। महात्मा गांधी इस आंदोलन को जगह जगह से समर्थन मिलने लगा। भारत में अंग्रेजों की पकड़ विचलित करने वाला ये एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गांधी जी के साथ जितने भी लोग सॉल्ट सत्याग्रह में थे नमक आंदोलन में, उन सबकी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में यहाँ पर लोग हैं, जिस तरह इसे बनाया गया सच में काबिले तारीफ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, मैं यहाँ की तारीफ़ करते बगैर थक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सच में बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों, आप देखिए। तो हेलो गाइस, इस वक्त मैं गांधी जी के साथ हूँ, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है सच में। आप लोग एक बार ये ज़रूर विज़िट करें, नवसारी से कुछ 5-6 किलोमीटर है, बहुत अच्छी जगह ये और ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहीं पर गांधी जी ने नमक की खोज की थी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा जगह है। तो गाइस, चलो मैं आपको आगे मिलता हूँ वीडियो में।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है सोलार एनर्जी, और ये धूप को एब्जॉर्ब करके, आप जानते ही हैं इसका क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें यूज़ होने वाली चीज़ इससे ही यूज़ होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने बहुत ही खूबसूरत तालाब है, यहाँ आप बैठोगे तो आपको बहुत ही ठंडक हवा मिलेगी, और आप देख सकते हैं ये नमक जहाँ पे बना के दिखाया जाता है वो एंट्री पॉइंट है, ये देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा है, अब इसमें कुछ देर बाद नमक मिलेगा, और आप देखिए किस तरह यहाँ नमक बनकर तैयार है। कोविड की वजह से अभी बना के नहीं दिखा रहे, तो मेरे बोलने पे बना के दिखाया गया था, तो आप देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है ओरिएंटल रूम, जहाँ पे पूरी कहानी बताई जाती है दांडी मार्च की, किस तरह यहाँ पे किस तरह आंदोलन हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये पूरी कहानी थी दांडी मार्च की, सॉल्ट सत्याग्रह की। ये जगह गुजरात के नौसारी में स्थित है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर दांडी बीच है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। कोविड की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी भीड़ उमड़ती है, पूरा नौसारी यहाँ आपको देखने मिलेगा। तो आप भी ठंडी ठंडी हवाएं और समुद्र की लहरों का आनंद उठाइए, और ये वीडियो पे लाइक करिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने दोनों जगह का दृश्य दिखा दिया है, सच में बहुत खूबसूरत है, आप लोग यहाँ पे आके मज़ा लीजिए।